इब्राहिम एक गरीब आदमी था जो मजदूरी करके अपने जीवन का गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी सकीना भी बहुत नेक दिल औरत थी। उसके 3 बच्चे थे, लेकिन गरीबी के कारण कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जा पाता। सभी बच्चे सकीना के साथ उसकी कढ़ाई के काम में मदद करते। उनके पड़ोस में शबाना बेगम नाम की एक औरत रहा करती थी, जो कि बहुत अमीर थी, लेकिन वो बहुत चालाक और झगड़ालू थी। वो सकीना से अक्सर कढ़ाई का काम करवाती थी। बेटा नगमा, हम तो शबाना बेगम का काम करते करते थक गए हैं, आंखें दुखने लगी है। हाँ अम्मी जान, मेरी तो पीठ भी बहुत दर्द कर रही है और मुझे बुखार भी आ गया। हम पूरी नींद सो भी नहीं पाते हैं, आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं। तब भी ऐसा लग रहा है बेटी, ये 4 पैसे मिल जाएंगे ना तो घर में कुछ खाने के लिए आ जाएगा, लेकिन ये इतना सारा काम दे देती है कि लगता है इकट्ठा 6 महीने का काम है। देखो जरा, शबाना बेगम का काम पूरा हो गया क्या? हाँ अम्मी जान, उनका काम पूरा हो गया, बस थोड़े से कुर्ते के दामन में कढ़ाई करने को रह गई है, वो मैं अभी कर देती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है, वरना हमारा भी दिल करता है कि थोड़ा आराम कर ले, बच्चों को भी आराम मिले, वो भी अपने बचपन को जी पाए। अल्लाह पता नहीं क्यों इतनी आजमाइश ले रहा है हमसे। देखना बेटी, और कोई काम है क्या? नहीं अम्मी जान, आप फिक्र मत करिए, किसी का कोई काम नहीं रह गया है। या अल्लाह, या खुदा, रहम कर, ईद आ रही है और मेरे घर में तो खाने के लिए राशन तक नहीं है, किसी बच्चे के पास कपड़े भी नहीं है। तुम्हारे अब्बू भी इस समय परेशान हैं। उनके मालिक ने कहा है कि अभी काम कम है और कारीगर ज्यादा हैं। वो तुम्हारे अब्बू को हटाने की कह रहा था। आप परेशान मत होइए अम्मी जान, खुद पर भरोसा रखो, खुदा खैर करेगा, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। छोटी बेटी नजमा शबाना बेगम के कपड़े देने चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद नजमा खाली हाथ लौट कर आई। सकीना ने पूछा, शबाना बेगम ने पैसे दे दिए? नहीं अम्मी जान, उन्होंने कहा है कि आज पैसे नहीं है, कल ले लेना। अम्मी जान, हम तो उन्हीं से उम्मीद लगाए हुए थे कि पैसे मिल जाएंगे तो घर का सामान और अपने लिए कपड़े बनवा लेंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक शाम को सकीना के छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार होता है। वो बुखार में बहुत तेज रोने लगता है। सब उससे पूछने लगते हैं तो वो बताता है, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? नगमा आपा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नगमा उसके सर पर हाथ लगाकर देखती है तो पता चलता है कि बिट्टू को तो बहुत तेज बुखार है। तभी वो सकीना से बोलती है, अम्मी जान बिट्टू को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तभी सकीना आकर उसे हाथ लगाकर देखती है। हाँ बेटी नगमा, तुम सही बोल रही हो, तुम्हारे भाई को तो बहुत तेज बुखार है। बेटा रो मत, तुम ठीक हो जाओगे। ऐ मेरे खुदाया, कुछ तो खैर कर, घर में पैसे नहीं है और मैं अपने बच्चे को दवाई कहाँ से दिलाऊं? अम्मी जान, मैं शबाना बेगम के यहाँ से पैसे मांग कर ले आऊं। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, जा उनके पास हमारे पैसे भी हैं, तुम उनसे कुछ पैसे ले आओ। छोटी बेटी नजमा शबाना बेगम के यहाँ फिर से पैसे मांगने जाती है और कुछ देर बाद खाली हाथ वापस आती है तो सकीना पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम खाली हाथ आ गई? अम्मी जान, मैंने शबाना बेगम को बताया, उन्होंने बोला कि मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। ऐ मेरे अल्लाह, कितनी आजमाइश में डालेगा, सारी मुश्किलें अभी ही आनी है। क्यों मेरे मौला, हम पर कुछ तो करम अदा फरमा। एक तो मेरा बच्चा बुखार से जल रहा है और इस गरीबी में क्या क्या देखना बाकी है। नगमा बेटा, एक काम करो, एक कटोरी में ठंडा पानी ले आओ, भाई के सर पर पट्टी रखो, बुखार कम हो जाएगा। उसके बाद सकीना अपने बेटे के सर पर पट्टियां रखती है जिससे बुखार हल्का हो जाता है। सुबह तक बुखार उतर जाता है। 2-3 दिन बाद इब्राहिम काम से आकर सर झुकाकर बैठ गया। सकीना ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इब्राहिम उदास होकर बोला, सकीना मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मालिक ने मेरी छुट्टी कर दी है और कहा है जब काम आएगा तब हमें बुलाएंगे। या अल्लाह, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और ईद भी आने वाली है, हमारी ईद कैसे मनेगी? क्या बताऊं, हमारा नसीब ही खराब है, देखो खुदा की रहमत हम पर कब होती है। बेटी नजमा, जाओ शबाना बेगम से पैसे मांग लाओ और आज उनसे कहना कि पैसे दे दे, हमें घर का सामान खरीदना है। नजमा शबाना बेगम के यहाँ गई और थोड़ी देर बाद फिर से खाली हाथ लौट आई। शबाना बेगम कह रही थी
कि तुमने हमें कपड़े दिए ही नहीं। ये सुनकर सकीना की तो जैसे होश ही उड़ गए। वो बहुत डर गई और शबाना बेगम के पास गई और उससे मिन्नतें करते हुए, बहन रहम करो, बच्चियों ने रात भर काम किया था, ऐसा जुल्म मत करो, हमारे पैसे दे दो। अरे अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तुम मुझे झूठा साबित करोगी क्या? अरे पहले मेरे कपड़े तो ला कर दो, तभी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। शबाना बेगम और सकीना की लड़ाई हुई, लेकिन शबाना बेगम ने माना ही नहीं कि उन्हें उनके कपड़े मिल गए हैं। इस तरह से उनकी मेहनत के पैसे शबाना बेगम ने हड़प लिए। सकीना घर लौट आई। क्या बात है? सकीना ने सारी बात कह सुनाई। बड़े लोगों की बात है, अब हम उनसे लड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये तो हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मोहल्ले के सभी लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए थे और इब्राहिम अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि अचानक उसने सकीना को आवाज दी। सकीना जल्दी से आओ, देखो तो जरा, ये शबाना बेगम के घर से धुआं उठ रहा है। अरे हाँ, लेकिन मैंने तो शबाना बेगम को बाजार में जाते हुए देखा था। क्या उसके दोनों बेटे उसके साथ नहीं थे? नहीं। अरे जल्दी से चलो वहाँ, देखते हैं क्या हुआ, वो दोनों बच्चे फिर घर में ही हैं। इब्राहिम, सकीना, नगमा और नजमा और बिट्टू सभी लोग शबाना बेगम के यहाँ गए तो देखा शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। या खुदा, ये तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उनके दोनों बच्चे घर में ही हैं। शबाना बेगम अपने दोनों बच्चों को घर में ही छोड़कर बाहर ताला लगाकर गई हुई थी। इब्राहिम ने ईंट मारकर ताला तोड़ दिया और सबके साथ अंदर घुस गया। या अल्लाह, ये तो पर्दों में भी आग लग गई है और बच्चे कमरे के अंदर ही हैं। इतनी जोर से आग जल रही है, कैसे अंदर जाऊं? अब्बू जान, आप जल्दी से बिजली की लाइन काटिए, हम दोनों उन बच्चियों को निकाल कर लाते हैं। इब्राहिम ने झपट कर मेन स्विच बोर्ड से लाइट बंद कर दी। दोनों लड़कियां नगमा और नजमा कमरे के अंदर घुस गई और शबाना बेगम के दोनों बच्चों को निकाल कर ले आई। फिर उन्होंने शोरगुल मचाया, सभी पड़ोसी जमा हो गए, उन्होंने मिलकर आग बुझाई। उधर शबाना बाजार से लौट आई तो उसने अपने घर के दरवाजे पर भीड़ देखी, वो बहुत डर गई। या अल्लाह, ये क्या, मेरे घर के आगे भीड़। वो भागती हुई अंदर आई तो देखा आग लगी हुई थी। वो दौड़कर कमरे में गई और अपने बच्चों को कमरे में नहीं देखा तो वो रोने लगी। हाय अल्लाह, मेरे जिगर के टुकड़े आग में जलकर मर गए। तभी इब्राहिम उसके दोनों बच्चों को लेकर वहाँ आया और शबाना बेगम से बोला, देखिए भाभी जान, ये आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं, आप मत रोइए। पड़ोसियों ने शबाना बेगम से कहा, अरे हाँ, और आपकी दोनों बेटियों को इन्होंने ही जान पर खेलकर बचाया है। शबाना बेगम को अब बहुत अफसोस हो रहा था। भाई जान, आपने मेरे लिए बहुत जोखिम उठाया है, इसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। देखो बहन, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। इंसान को कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, खुदा के घर भी तो जाना है ना। ये सुनकर शबाना बेगम का सर शर्म से झुक गया। अगले दिन वो अपने शोहर के साथ इब्राहिम के घर आई और उनके हाथों में मिठाई के डब्बे और बच्चों के लिए नए कपड़े और कुछ तोहफे थे। आपकी ही बदौलत आज हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। इस बार की ईद हम आपके साथ मनाएंगे और भाईजान की नौकरी का बंदोबस्त मेरे मियाँ जी ने कर दिया है। इब्राहिम ने देखा शबाना बेगम के शौहर रहमत अली मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने इब्राहिम की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी। ईद वाले दिन इब्राहिम के घर सारे जहाँ की खुशियाँ उतर आई थी।